हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेजिनेशन। अगर कोई वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं और उन सब पेज को एक पेज या अनदर पेज से अगर लिंक करना होता है तो हम लोग यूज करना होता है पेजिनेशन। तो पेजिनेशन को क्रिएट करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर इसका क्लास होता है पेजिनेशन डॉट पेजिनेशन, जो क्लास को डिनोट करता है। इसके साथ यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं अपने फोल्डर के अंदर, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल का जो फोल्डर क्रिएट किए थे इसके अंदर। अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसको सेव करेंगे और इसका नेम देंगे पेजिनेशन डॉट एच टी एम एल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल एच टी एम एल का ब्लॉग ओपन करते हैं और टाइटल दे देते हैं पेजिनेशन का। पेजिनेशन ठीक है। अब हम लोग को जो सेकेंड काम है कि टाइटल के नीचे हम लोग बूटस्ट्रैप को जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी को लिंक कर लें, तो यहाँ से सारे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेजिनेशन में आके इसका सीडीएन को लिंक कर दिए। अब यहाँ पे बॉडी पार्ट में, बॉडी टैग में आके एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और इसका क्लास कंटेनर दे देते हैं, क्लास कंटेनर ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पेजिनेशन ऐड करना है, ठीक है। पेजिनेशन के लिए तो एक यूएल लेते हैं और उसके अंदर जितना हम लोग एलआई देना चाहें उतना दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेज। सिंपली यहाँ पे यूएल का क्लास देंगे हम लोग, यहाँ पे क्लास हो जाएगा पेजिनेशन, ठीक है। और एलआई में जितने भी एलआई अगर हम लोग क्रिएट करेंगे, जितना भी एलआई हम लोग क्रिएट करना चाहें तो उसको हम लोग देंगे पेज आइटम, पेज डैश आइटम, ठीक है। और उसके बाद जो पेज का जो भी पेज होगा उसके लिए लिंक जेनरेट करना होगा कि उस पर क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो। तो इसके लिए यहाँ पे एक लिंक हम लोग क्रिएट करना होगा एहरफ टैग का, और इसके अंदर अभी कोई पेज नहीं है तो यहाँ पे सिंपली हाई दे देते हैं। और उसके बाद इसमें इसके अंदर एक क्लास हम लोग को ऐड करना होगा, वो होगा पेज लिंक, ठीक है। इससे होगा पेज लिंक, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। और यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं प्रीवियस। अब सिंपली हम लोग को काम है किसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं पूरे पेज को और यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करके अपने ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं इसको। तो अभी देख सकते हैं कि हम लोग का एकदम जो सिंपल सा पेजिनेशन है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बटन कर देते हैं और इसके अंदर कुछ पेज और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसके अंदर आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 दे देते हैं और इसकी जगह पे 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का पेजिनेशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे प्रीवियस बटन, पेज 1, पेज 2 और ये नेक्स्ट बटन है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा पेजिनेशन क्रिएट हुआ है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो पेज हो, अभी तो कोई एक्टिव नहीं है, अब हम चाहते हैं कि कोई भी क्लिक करे तो उस पर एक्टिव हो। तो उसके लिए जहाँ भी हम लोग एक्टिव करना चाहते हैं, सपोज कि पेज 1 को एक्टिव करना चाहते हैं, तो एलआई के क्लास में जाके इसके अंदर हम लोग एक्टिव क्लास जो है बूटस्ट्रैप का, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। और उसके बाद अगर रिफ्रेश करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव हो गया, जो पेज 1 है वो एक्टिव हो चुका है। ऐसे अगर हम लोग सेकेंड को करना चाहें तो उसको एक्टिव कर सकते हैं। अब डिजेबल के लिए देख लेते हैं, अगर डिजेबल हम लोग को करना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद नीचे इसको भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और सपोज इसको डिजेबल करना है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिजेबल्ड, बल्कि इसको डिजेबल नहीं करते, डिजेबल हम लोग कर देते हैं प्रीवियस को, क्योंकि जब पेज पेज 1 पे रहेगा फिर वो प्रीवियस कोई पेज नहीं रहेगा, ऑलरेडी वो पेज 1 पे है,
इसके बाद इसके पहले कोई भी पेज नहीं रहेगा तो ये बटन डिजेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजेबल्ड कर देते हैं, डिजेबल्ड जो क्लास है इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आके सेव करते हैं। तो इसके नीचे हम लोग का एक पेज बन चुका है और यहाँ पे डिजेबल्ड रहेगा। ठीक है, अभी सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस है ये डिजेबल्ड हो गया है और वन टू और नेक्स्ट ये दोनों एक्टिव है, बाकी ये डिजेबल्ड है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें वन एक्टिव किया गया, उसके जब वन एक्टिव होगा तो ये डिजेबल्ड हो जाएगा। तो वैसे हम लोग कोई भी कहीं भी अगर नेक्स्ट पे डिजेबल्ड करना चाहें तो उसको भी हम लोग डिजेबल कर सकते हैं। सिंपली इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और आके यहाँ पे लास्ट वाले पे जो कि नेक्स्ट बटन है इस पे अगर हम लोग डिजेबल कर देते हैं तो नेक्स्ट वाला भी डिजेबल्ड हो जाएगा। ये भी देखें कि ये डिजेबल्ड हो गया, केवल वन और टू वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी लेफ्ट में आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट अगर पेजनेशन हम लोग क्रिएट करते हैं बूटे स्टेप के थ्रू तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आएगा, और इसको हम लोग अगर सेंटर में करना चाहते हैं या फिर इंड में करना चाहते हैं तो उसके लिए बूटे स्टेप के अंदर क्लास है। और वो क्लास ये है कि सपोज इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार यहाँ से और इसके नीचे एक और पेजनेशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब हम लोग को इसमें जो काम है कि यहाँ पे दिखा दे आपको अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड सेव और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड पेजनेशन क्रिएट हो चुका है। इसको हम एक्टिव कर देते हैं, डिजेबल नहीं रहेगा बल्कि सबको हम एक्टिव कर देते हैं यहाँ से। अभी ये सब वर्क कर रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये सेंटर में आए, जो ये पेजनेशन है ये वाला ये केवल यहाँ पे सेंटर में आए। ठीक है, यहाँ पे यूएल में जाके हम लोग को यहाँ पे एक बूट स्टेप का क्लास होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या एंड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई डैश कंटेंट, और अगर हम लोग को सेंटर देना है तो सेंटर दे सकते हैं यहाँ पे सेंटर। और अभी इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ चुका है। अगर हम लोग को इंड में करना है तो सिंपली यहाँ पे सेंटर की जगह पे हम लोग कर देंगे इंड। अब सेव करते हैं इसको और यहाँ पे अगर हम लोग आके रिफ्रेश करें तो ये देख सकते हैं कि इंड में आ चुका है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग चाहते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बार ऊपर पेस्ट कर देते हैं जैसे कि आपको पता चले कि कौन सेंटर है और कौन इंड है। सेंटर अभी सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो ये सेंटर में है जो यहाँ पे दे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया और जस्टिफाई कंटेंट इंड दिए ये वाला इंड में है। और हम लोग जो बाय डिफॉल्ट बनाते हैं क्लास कॉल पेजिनेशन देखे बाय डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट में। ठीक है, अब हम एक और काम है इसमें कि अगर हम लोग चाहते हैं कि जो पेजिनेशन है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो या छोटा हो तो उसके लिए भी बूट स्टेप के अंदर क्लास है। और एक क्लास आपको पहले से पता है एल जी और एस एम, ये दो क्लास हैं आपको पहले से पता है कि एल जी लार्ज करने के लिए यूज होता है और एस एम स्मॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करते हैं और जस्टिफाई कंटेंट को रिमूव करते हैं यहाँ से, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं बल्कि उसको रहने देते हैं यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, ये इंड पे ही रहेगा और यहाँ पे पेजनेशन इसी को कॉपी कर लेते हैं कॉपी। और इसके बाद एक और क्लास ऐड करना है हम लोग को पेजिनेशन, और एलजी अगर यूज करते हैं तो ये लार्ग होगा। अभी सेव करें और आके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लार्ग में आ रहा है, एक पेजिनेशन है जो लार्ग में आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर इसको हम लोग स्मॉल करना चाहें तो सिंपली अगर इसको बल्कि सेंटर वाले को कॉपी कर लेते हैं और सेंटर के नीचे हम लोग स्मॉल कर लेंगे तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर, और इसके आगे हम लोग कर लेंगे पेज, बल्कि पेजिनेशन, और ये हो जाएगा SM, ठीक है। तभी आएगा आपको स्मॉल में, आप देख सकते हैं कि आ रहा है स्मॉल में, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज़ हम लोग को देना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट, अगर इसको रिमूव भी कर देंगे तब भी ये आपको काम करेगा। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं इंड वाले को, अब इसको सेव करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो है इसका साइज जहाँ पे ये लेता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा। दोनों देख सकते हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा पेजिनेशन आ रहा है, बाकी ये एक्टिव है, यहाँ पे डिजेबल्ड है, और ये सेंटर में है और ये राइट में है। ये पेजिनेशन बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पेजिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और इसका हम लोग जस्टिफाई कंटेंट कैसे करते हैं, और LG और SM देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।